हेलो गाइस, मैं आपका चैनल होस्ट सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय लाइफ इज क्रिकेट। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो भी बॉलर से रिलेटेड ही होने वाला है। आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल स्विंग के बारे में। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमें न्यू बॉल से स्विंग कराना पड़ता है, इन स्विंग और आउट स्विंग। तो ये कैसे होता है ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एकदम सबसे ईजी टेक्निक बताऊंगा। तो बस गाइस, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें आउट स्विंग करना है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको वे बताने वाला हूँ ये यूनिक होगा, जो कि आपको किसी ने नहीं बताया और ये सबसे इजी भी होगा। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको आउट स्विंग करना है ना, तो आपको सिंपली जो है बॉल को ग्रिप जो है सिंपल आपको इस तरीके से सीम पर करना है, बीच में थोड़ा सा गैप होगा दोनों फिंगर के, और थंब आपको सिम पर इस तरीके से प्लेस करना है। तो गाइस, इस तरीके का कुछ ग्रिप होगा। अब गाइस बात आती है रिलीज करना है, तो उस समय आपको जो है अपने एंगल जो आर्म का होगा उसके थ्रू आपको आउट स्विंग कराना है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बेसिकली सब बोलते हैं आपको टिल्ट करना अपना रिस्ट और उसके थ्रू कराना है। बट गाइस, इस तरीके से थोड़ा हार्ड होता है बेसिकली रिलीज करना। बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मैंने करके देखा है, मेरे से तो नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे से एकदम ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं रिस्ट वाला आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आर्म का बता रहा हूं, जिससे कि मैं भी करता हूं। बेसिकली आपको जो अपना जो भी एक्शन है, बहुत लोगों का एकदम स्ट्रेट एक्शन होगा जब वो डिलीवर करते होंगे, बट बहुत लोगों का होगा अंदर की तरफ से आता होगा। बेसिकली मेरा इस तरीके से आता है, तो मैं जो हूँ ज्यादा इन स्विंग करता हूँ, जिससे कि मेरा नेचुरल एक्शन इस तरीके से, तो मेरा इन स्विंग बहुत अच्छा होता है। आपको मैं एक क्लिप भी शो कर देता हूँ। तो गाइस, आपने क्लिप देखा होगा, तो उसमें मेरा बॉल बहुत अच्छा इन स्विंग हुआ है, बिकॉज मेरा एक्शन है थोड़ा इस तरीके से, अंदर से थोड़ा आता है एक्शन जैसे कि बुमराह का है। तो इसलिए मेरा जो नेचुरल आता है वो इन स्विंग बहुत ही अच्छा होता है, अंदर की ओर अच्छी बॉल आती है। अगर आपका बाहर से आता है, जैसे दीपक चाहर का है, दीपक चाहर का बाहर से आता है, इसलिए वो आउट स्विंग अच्छा कराता है नेचुरली। तो गाइस, आपको भी पता करना, अगर गाइस आपका स्ट्रेट आता है ना, तो आपको थोड़ा सा अपना जो एंगल बनाना है, अगर आप आउट स्विंग कर रहे हैं तो थोड़ा बाहर से आप लाएं एंगल आर्म का, और अगर आप इन स्विंग करा रहे हैं ना, तो सिंपली आपको इस तरीके से अंदर से लाना है, कोशिश ये करनी है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आप अपने आर्म का एंगल चेंज कर जो है इन स्विंग आउट स्विंग करा सकते हैं। आउट स्विंग के लिए तो मैंने आपको ग्रिप बता ही दिया था, इन स्विंग के लिए भी मैं आपको ग्रिप बता देना चाहता हूं। सिंपल है, केवल उसी तरीके से आपको ग्रिप करना है, और सिंपल आपको केवल आर्म का ही हेल्प कर इन स्विंग आउट स्विंग कराना है। इसमें ग्रिप का उतना ज्यादा कुछ होता नहीं, सिंपली आपको सिंपल स्ट्रेट इस टाइप से बॉल पकड़ना है, और इस तरीके से आपको मैंने बताया कि आर्म का हेल्प लेकर आप इजीली रिलीज कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने जो भी आपको बात बताया, बेसिकली ये इतना इजी भी नहीं ना ही उतना हार्ड है। तो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप ग्रैब कर लोगे ये जो भी मैंने आपको बातें बताई है। तो गाइज, ये सबसे इजी तरीका था जो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो भी बताने का कोशिश किया है आपको। तो गाइज, यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।